फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल घर की रसोई। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूंग स्प्राउट्स पनीर ग्रेवी, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं फ्रेश क्रीम, टर्मरिक पाउडर, ग्रेटेड पनीर, टमाटो प्यूरी, चॉप्ड अनियन, सॉल्ट, गरम मसाला, ग्रीन चिली, कसूरी मेथी, खड़े मसाले, धनिया पाउडर और यहाँ पे हमने लिए हैं 500 ग्राम पनीर, जिसे मैंने स्क्वायर में कट किया है, हाफ लेमन जूस, मूंग स्प्राउट्स, जिंजर गार्लिक चॉप्ड किए हुए, बटर और रेड चिली पाउडर। तो सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हाफ लेमन जूस, और सबको हम बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया, 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के देंगे और फिर से हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, हमने तेल को गर्म कर लिया है। तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है, अब हम इस पर अपनी पनीर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे पनीर को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चेक कर लेते हैं, अभी नहीं हुई है तो अभी हम उसे फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पे हमारी पनीर फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है पनीर हमने निकाल ली है और मैंने सेम ऑयल का फिर से यूज़ किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। सबसे पहले हमने डाला है एक तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 3 से 4 हम लौंग डालेंगे और थोड़ा सा जीरा। तो सबको हम भून लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड किए हुए जिंजर और गार्लिक। तो यहाँ पे आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इन्हें फाइन चॉप किया हुआ है। इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से।
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए अनियन। मैंने यहाँ पे दो बड़े अनियन का यूज़ किया है। तो अनियन भी हमारी अच्छे से भुन गई है और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली जिसे मैंने बीच से कट कर दिया है, इसे भी हल्का सा हम भुन देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, टमाटो प्यूरी को भी हम अच्छे से भुन लेंगे। और इसे ढक कर के लिए एक मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। तो यहाँ पे एक मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ध्यान रहे हमने पनीर को मैरिनेट किया उसमें भी सॉल्ट है, तो उसी हिसाब से आप नमक इसमें ऐड करिएगा और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी और अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे फिर से। अब इसे हम ढक करके एक मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ पे एक मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मूंग स्प्राउट्स। मूंग स्प्राउट्स को डालने के बाद उसे भी हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें 2 कटोरी पानी पे। मैंने इसे फिर से मिक्स कर दिया अच्छे से और अब इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारी जो दाल है स्प्राउट्स है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्प्राउट्स है मूंग का वो अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। ऐसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो क्रीम यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे जो है हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पनीर।
पनीर के ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिए, आपको अगर थिक रखना है ग्रेवी को तो कम पानी डालिए, और अगर ग्रेवी रखनी है तो ज़्यादा तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखने वाली हूँ। तो अब इसे हम फिर से कवर करके 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारी जो पनीर है एकदम सॉफ्ट हो जाए बढ़िया से। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और पनीर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ग्रेट की हुई जो पनीर है उसे। ग्रेट करके पनीर डालने से हमारी ग्रेवी में एक और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, हमारी ग्रेवी बहुत बढ़िया लगती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। और इसमें हम थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट लाने के लिए बटर डालेंगे, लेकिन आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिएगा और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मूंग स्प्राउट्स पनीर ग्रेवी बनके रेडी हो गया है। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो अब इसे हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपनी मूंग स्प्राउट्स पनीर ग्रेवी को सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।